हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आज सुपर संडे क्लास में। आज बात करेंगे थोड़ा सा हटके। आज बात करने वाले हैं हम भारत के कुल 11 पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश कौन कौन है, वो ऐसा कौन देश है जो भारतीय स्थलीय सीमा से लगता है, और कौन कौन देश है जो भारतीय समुद्री सीमा से लगता है। तो बिना झिझक हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। भारत के कुल 11 पड़ोसी देश, भारत के कुल 11 पड़ोसी देश। नंबर एक, जिसमें 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय, स्थल का मतलब जमीनी, सीमा का मतलब बॉर्डर, सीमा का मतलब बॉर्डर, स्थलीय का मतलब जमीनी बॉर्डर से लगा हुआ 7 ऐसे कंट्री। पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ये 7 कंट्री। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश ऐसा है जो भारतीय स्थलीय सीमा से लगा हुआ है, और इसकी राजधानी भी हम लोग जानेंगे। पहले जानते हैं चार ऐसे देश जो भारत के समुद्री सीमा से लगा हुआ है। भारत के कौन से सीमा से? समुद्री, समुद्र का मतलब समुन्दर, सीमा का मतलब बॉर्डर, समुद्री बॉर्डर से लगा हुआ 4 ऐसे कंट्री। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड 4 ऐसे कंट्री है जो भारत के समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। और 7 ऐसे देश है जो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, भारतीय स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है। तो इधर 7 है और इधर 4 है, 7 और 4 11 हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। उसके बाद चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपिदा, नेपिगीदा, जिसका पूर्व राजधानी यंगून था। यंगून एक बहुत बड़ा शहर था, उसको बदल करके म्यांमार की राजधानी अभी वर्तमान में नपीदा रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, आप लोग नहीं भूलिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। फिर आता है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। ये 7 देश ऐसा था जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ था, इसकी राजधानी हम लोगों ने जान ली। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बांग्लादेश का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, चीन का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, म्यांमार का नेपिदा, जिसका पुराना शहर कौन था, जो पूर्व राजधानी था वो था यंगून, जो कि म्यांमार का बहुत बड़ा शहर है, बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका, अफगानिस्तान का काबुल, अफगानिस्तान का काबुल, भूटान का थिम्पू। ये 7 कंट्री हो गया। इधर आते हैं आप 4 कंट्री, श्रीलंका, श्रीलंका का 2 राजधानी माना जाता है, एक कोलंबो है और एक जयवर्धने पुरा कोट्टी है। श्रीलंका का एक कोलंबो और जयवर्धने पुरा कोट्टी। मालदीव का माले, मालदीव का राजधानी माले, मालदीव का माले। इंडोनेशिया का जकार्ता, इंडोनेशिया का जकार्ता। और थाईलैंड का बैंकॉक, बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक। तो ये 4 देश ऐसा है, 4 देश ऐसा है जो भारत से सटे समुद्री सीमा से लगा हुआ है, ये पड़ोसी देश ही है। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ कौन है, ये 7 कंट्री है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। तो कुल कितना देश हो गया, 11 देश हो गया, भारत के कुल 11 पड़ोसी देश। हम लोगों ने अभी अभी
इसकी राजधानी भी जाना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, भारत के कुल 11 पड़ोसी देश, यही से याद कर लेना है, भारत के कुल 11 पड़ोसी देश जिसमें 7 देश ऐसे जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, नंबर चीन, नंबर 2 में चीन लिखा हुआ हूँ मैं इसमें जिसकी राजधानी बीजिंग, उसके बाद नेपाल, काठमांडू, म्यांमार जिसकी जिसकी राजधानी हो गया आपका नेपिदा, इसका पूर्व राजधानी यंगून है। यंगून ये क्या है, बहुत बड़ा शहर है, यंगून एक बहुत बड़ा शहर है। बांग्लादेश इसकी राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू। श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो और जयवर्धनपुरा कोट्टी, कोलंबो और जयवर्धनपुरा कोट्टी। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की माले। इंडोनेशिया का जकार्ता, इसकी भी राजधानी चेंज करने की बात आ रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, तो आज सुपर संडे था इसीलिए मैंने कुछ जनरल नॉलेज के सवाल लेकर के आया। हर सुपर संडे यानी हर संडे को मैथमेटिक्स से हट करके जीके जीएस या और भी हेल्थ से रिलेटेड वो भी सारी चीज़ें लेके आऊँगा। मेरा आपसे एक ही विनती रहता है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर अगले संडे में फिर से कोई धमाका, कोई जीएस, कोई जनरल नॉलेज या हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा और उसके बाद फिर कल से या नेक्स्ट क्लास से फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। तब तक के लिए क्लास ऑफ करते हैं।